हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको एक छोटा सा एम्पलीफायर बनाकर दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस तरह की बोर्ड की ज़रूरत होगी। इसको आप फ्रेंड्स ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हमको इसमें स्पीकर कनेक्ट करना है। तो स्पीकर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम ये 4 ओम का स्पीकर ले रहे हैं। इसमें फ्रेंड्स, जो रेड वाला वायर है उसको आपको R+ और ब्लैक को R- के साथ कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें 2 स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमको दूसरा स्पीकर भी 4 ओम का लेना है और इसको फ्रेंड्स आपको L+ और L- के साथ कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। फ्रेंड्स, ये एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड 5 वोल्ट से चलता है, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने चार्जर से। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमने एक फ़ीमेल चार्जिंग पिन कनेक्ट करी है। फ्रेंड्स, जो ब्लू वाला है उसको नेगेटिव के साथ और रेड वाले को पॉजिटिव के साथ कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमको इस तरह की ऑक्स केबल की ज़रूरत होगी जिससे हम अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो ऊपर वाला वायर है वो राइट है, बीच वाला ग्राउंड है और तीसरा वाला लेफ्ट है। इनको आपको कुछ इस प्रकार से एम्पलीफायर बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमारे पूरा सर्किट बन चुका है। अब हमको मोबाइल चार्जर को इसके साथ कनेक्ट करना है और इसके बाद फ्रेंड्स अपने मोबाइल को कनेक्ट करना है। तो आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये काम करता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।